परम सत्कारयोग सतगुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निघी ते पावन गोद में जुड़ी हुई पटना साहब की धरती नतमस्तक होने हुई समूह संगत को फतेह अर्ज कर रहे हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी तुसी सारे खुशकिस्मत हैं, बाला प्रीतम 7 साल इस पावन धरती रहे और जीवन का एक अहम हिस्सा बनता 7 साल बचपन दे और हर गली में जिथे भी उन्होंने कदम पे उन्हां सारिया ही गलिया घूमते आए हो, थोड़े चरण भी उन्होंने चरण के नाल शो प्राप्त की होएगी। तुसी बड़े खुशकिस्मत जापते हो। जही काज तरहम जनमंग समझ लिहो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत अवारन दुष्ट सबन को मूल अपारन। अज सचमुच ही उस साहबे कमाल बाला प्रीतम को याद करते हो। इस समुचा सर्व धर्म के सारे सज्जन इतने विराजमान ने। मैं एक आप जी को बेनती करा बड़े अदब के नाल, कदे इस धरती के पंडित शिवदत्त ने भी सतगुरु की बख्शिश ली सी, कदे इस धरती तो पंडित शिवदत्त साई भीखन शाह भी कदे आया सी नतमस्तक होने इस पावन धरती से। इस पावन धरती से कदे राजा फतेह चंद मैणी ने भी बख्शा प्राप्त कीतियां। यह धरती है जिथे हर वो इंसान हर बशर आया, हर धर्म का बशर आया। तो मैनू जापया कि अज इतों की प्रबंधक कमेटी ने, ज्ञानी इकबाल सिंह जी होर ने, श्रोमणी कमेटी ने एक बहुत बड़ा उद्यम किया है और सत्कारयोग ज्ञानी गुरमीत सिंह जी दिल्ली कमेटी ने और सत्कारयोग ज्ञानी गुरमीत सिंह जी खोसा कोटला वाले, जिन्होंने संत समाज वालों उचेचे तौर पर एक बड़ा कार्य करके विखाया है और सारे धर्मों जिथे इकट्ठा किया, सारे धर्मों के मुखी इकट्ठे किए। उत्थे श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब, दिल्ली कमेटी के प्रधान साहब और सत्कारयोग सिंह साहब, इतों की समुची सारी कमेटी नू, पंथ नू एक साथ इकट्ठा करन दा बड़ा यतन किया। ज्ञानी गुरमीत सिंह जी खोसा कोटला खुद बड़े बड़े विद्वान ने, उन्होंने बड़ी रहमत है, बड़ी बख्शिश है। तुसी हैरान होवोगे जिहड़ियां उन्होंने पुस्तकां लिखियां ने, उन्हां पुस्तकां नू समुचे संसार विच ही सलाया गया। एवें नहीं सत्कारयोग ज्ञानी इकबाल सिंह जी हरी सिंह साहब उन्होंने प्रभावित होए, एवें नहीं उन्होंने आग्ञा दी कि तुसी उत्थे सैमीनार करो। विद्वानों की दुनिया जाने बैठे ने, 2 यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब वाली गुरु ग्रंथ साहब जी यूनिवर्सिटी दे और सत्कारयोग पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले के BC साहब दोनों भी हाजिर हुए ने। मैं बेनती करा इस तो बड़ा समागम होर नहीं होना, विद्वान सज्जन आए ने, एक एक जी आया आखदा। सारे मैं विद्वानों बेनती करांगा, सारे प्रधान साहब SGPC के प्रधान साहब प्रोफेसर कृपाल सिंह जी बडोंगर खुद बड़े विद्वान ने, विद्वानों की दुनिया में उन्होंने जाणिया पछाणिया नाँ है। मैं एक बेनती करांगा सारे एक एक जिहड़ियां पुस्तकां ने दित्तियां जाणगियां सारे रिलीज़ करन दी रस्म अदा कर। मैं बेनती करांगा पहली किताब है अनुभवता का समुंदर, एक किताब श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की 5वीं रुत से 10वां अध्याय की व्याख्या है, पढ़न योग है, कभी तुम पढ़ोगे क्योंकि सारे ही सूरज प्रकाश की कथा शाम को गुरु घरों में सरवण करते हो। और अकाल आरसी श्री दसम ग्रंथ की एक बहुत प्यारी पुस्तक लिखी है क्योंकि हमेशा चर्चा में रहे हैं और वह पुस्तक भी पढ़न योग है। और एक किताब अज के इस सोविनर के उचेचे तौर पर सोविनर रिलीज़ करना है, बाला प्रीतम प्रेमली, उस ये जी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 350 साल प्रकाश पुरत को समर्पित होएगा। सो मैं बेनती करांगा ये किताबा जड़िया ने यह सारे वितरण करन और वितरण करन तो बाद सारिया रिलीज़ की जाएगी। मैं बेनती करांगा सोविनर रिलीज़ करने की रस्म मानयोग प्रधान साहब करे, सरदार कृपाल सिंह जी बडूंगर साहब, साडे सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब का आना, ज्ञानी जगतार सिंह जी का साढ़े सारे लिए मुबारक है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गोद में बैठे सन सुबह तो इस सैमीनार ड्यूटी निभाते सन, एक जयकारा बुला रहे हैं जी, नाल ही किताबा रिलीज़ करने की रस्म अदा की जा रही है जी। बोले सो निहाल, समुची आई हुई संगत नूं जीआं भी आखदा। बहुत सारे विद्वान मित्र ने जिन्होंने थोड़े सन्मुख आना और ज्ञानी गुरमीत सिंह जी खोसा कोटला नूं और भाई साहब भाई जयविंदर सिंह जी बड़ी प्यारी हस्ती ने, विद्वान हस्ती ने, और बाबा अतर सिंह मसूवाणे के स्थान पर सेवा निभाते हैं, उन्होंने सत्कार देना, उन्होंने सारे साथियों सत्कार देना। सेवा पंथी बाबा करमजीत सिंह जी उचेचे तौर पर हाजिर हुए हैं, प्रधान ने, उन्होंने भी सत्कार देना। और श्री महंत साहब उचेचे तौर पर हरिद्वार तो हाजिर हुए हैं। सारे संत समाज के नाँ लैने बड़े कठिन होंगे क्योंकि समुचे संत समाज दियाँ और 12 देश तो आई हुई शख्सियत। मैं बेनती करांगा सरदार सतपाल सिंह जी खालसा दामाद ने भाई साहब
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ SGPC ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।